ओल्ड वॉर और इसके बारे में अलग अलग नोशंस दिखाई देते हैं। कोल्ड वॉर के बारे में एक परसेप्शन है कि यह रूस और अमेरिका के बीच से स्टार्ट हुआ और यह जनरल परसेप्शन है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह रूस अमेरिका के बीच का कन्फ्लिक्ट है जो शुरू से ही ऐसा था, और कुछ लोग मानते हैं कि यह ब्रिटेन और रूस के बीच का कन्फ्लिक्ट है क्योंकि ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी स्ट्रेंथ जाती रही, ब्रिटेन कमज़ोर हो गया और उसको रिप्लेस किया अमेरिका ने। तो ये ब्रिटेन और रूस के बीच की लड़ाई थी जिसको कि अमेरिका ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, कोल्ड वॉर बेसिकली ऐसा है कि इसमें कोई डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लेकिन कन्फ्रंटेशन बनी रहेगी, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होगी। नो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, कोई सीधा साधा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपस में कोई सीधी लड़ाई हो जाए, लेकिन एब्सेंस ऑफ लॉन्ग लास्टिंग पीस ये भी बना हुआ है। कोई सीधा विवाद नहीं होगा और इसमें शांति की भी लंबे समय तक अनुपस्थिति रहेगी। अगर ओवरऑल एक सिनेरियो देखा जाए लमसम, तो कोल्ड वॉर की शुरुआत हम 1940s से लेके और 1991 तक लिख सकते हैं, 1991 तक लिख सकते हैं। इस समय क्या हो रहा है? एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाती है और 1991 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, दोबारा से हो रहा है ना, वॉल ऑफ जर्मनी गिराई जा रही है, रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी को वापस से एकीकृत किया जा रहा है। दो तरीके की जर्मनी बन गई है, एक ईस्ट जर्मनी बनी है और एक वेस्ट जर्मनी बनी है, और बीच में क्या था? ठीक है, वेस्ट जर्मनी बनी थी और बीच में बन रखा था एक वॉल ऑफ बर्लिन, ये बन रखा था वॉल ऑफ बर्लिन, तो इसी को वापस से तोड़ दिया गया। ये 1949 में खड़ा किया गया। तो एक लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट है ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि यह 1917 से लेके और 1991 तक चला है। 1917 कौन सा पीरियड है? बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, जिसको हमने अपने लेक्चर्स में देखा था। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन को ऐसे भी बोलते हैं कि राइज ऑफ कैपिटलिज्म, क्या कहते हैं, राइज ऑफ कम्युनिज्म, नॉट कैपिटलिज्म, साम्यवाद का जन्म मानते हैं इसे पूरी दुनिया में, और इसको काउंटर किया जाएगा ना। किसकी इनके साथ लड़ाई होगी? कैपिटलिस्ट के साथ। कन्फ्लिक्ट किसके साथ होगा? पूंजीवादियों के साथ। कौन है पूंजीवादी? यूएसए और वेस्टर्न यूरोप। ये परिस्थितियां ऐसी बन रही है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो ये कोल्ड वॉर है, ओरिजिनल जो कोल्ड वॉर है, वह एक खास परिस्थिति में बनता है। इट वॉज ओरिजिनली कन्फ्लिक्ट ऑफ ब्रिटेन एंड रशिया। यह ओरिजिनल कन्फ्लिक्ट है ब्रिटेन और रशिया का, क्योंकि अमेरिका उसको रिप्लेस कर देती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, और इसीलिए अमेरिका के हाथ में कोल्ड वॉर की चार्ज आ जाती है। जैसे एक रिले रेस होता है जिसमें बैटन को थमाया जाता है, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को थमा देता है और वो दौड़ना शुरू कर देता है, तो यहाँ भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि कभी ब्रिटेन 18th सेंचुरी से लेके और लगभग 20th सेंचुरी तक एक सुपर पावर के रूप में दिखाई दे रही है, और फिर उसके हाथ की मशाल थाम ले रहा है अमेरिका और वो फिर भागना शुरू कर दे रहा है। ठीक है, 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में अमेरिका की राइज हो रही है तेजी से। पूरा 1900 से लेके और 2000 तक की पीरियड को, मतलब वर्ल्ड ट्रेड टावर तक के हमले को अमेरिका की राइज का काल समझ सकते हैं, और पीछे जो 18th 19th सेंचुरी है डेडिकेटेड टू ब्रिटिश एम्पायर।
21वीं शताब्दी में थोड़े से हालात बदले हुए हैं, 2000 के बाद के हालात बदले हुए हैं, जब दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में बदल गई है। हर एक बहुत सारी संस्थाएं उभर के सामने आ गई हैं जो अमेरिका की इनविंसिबिलिटी की अवधारणा को खंडित करती हैं। पहले ये माना जाता था कि अमेरिका को कोई हरा नहीं सकता है, वर्ल्ड वॉर से उसने खूब पैसा कमाया एज ए अम्युनिशन कंट्री, तो वहाँ पे एक विचारधारा थी, उसने ब्रिटेन को भी बहुत सारा लोन दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और जैसे जैसे ब्रिटेन कमज़ोर होता गया वैसे वैसे अमेरिका मजबूत होता गया, और उसकी डोमिनेंसी को वेस्टर्न यूरोप ने भी स्वीकार कर लिया, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, इन सब बड़े बड़े देशों ने, इवन बाद में ब्रिटेन ने भी उसकी डोमिनेंस को स्वीकार कर लिया। तो लगभग 100 सालों तक अमेरिका की विकास और उसकी सर्वोच्चता की यात्रा दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला हुआ, पेंटागन पर हमला हुआ, 9/11 की घटना हुई, तो अमेरिका की इनविंसिबिलिटी की धारणा खंडित हो गई। एक ऐसा अमेरिका जिसको समझा जाता था कोई पराजित नहीं कर सकता, उसको अलकायदा के हमले ने उस विचारधारा को ध्वस्त कर दिया, और उसके बाद से 2000 के बाद से विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों का जन्म होना शुरू हो गया। आज देखो ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, आसियान पहले ही बन गया था, लेकिन वो भी मजबूत कब होना शुरू होता है, आफ्टर 2000। सार्क जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आफ्टर 2000, ठीक है। जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं वह 2000 के बाद ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लोगों ने धीरे धीरे ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि एक कंट्री को हम कभी भी सुपर पावर नहीं मान सकते, और यह राष्ट्रों की सॉवरेंटी के खिलाफ है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि क्या ये अभी 2000 के बाद से कोई सुपर पावर है दुनिया में, नहीं है, ये परंपरागत विचारधारा रह गई है। देर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर पावर आफ्टर 2000, आफ्टर द अटैक ऑन अमेरिका, वहाँ से कोई सुपर पावर नहीं है। अब दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में बदल गई है, ठीक है। कोल्ड वॉर के बीच में दुनिया बाईपोलर वर्ल्ड हो गई थी, द्विपक्षीय दुनिया हो गई थी, जिसमें एक का नेतृत्व सोवियत यूनियन कर रहा था, रूस, और दूसरे का नेतृत्व USA कर रहा था। बाद में जब सोवियत संघ का विखंडन हो गया तो अमेरिका एक बड़ी शक्ति के रूप में लगभग 1989 से 2001 तक बना रहा। लगभग 10 साल तक तो उसको एकदम से अकेला वही विश्व है, ऐसी परिस्थितियां बनी रही। फिर 2001 से लेकर धीरे धीरे अमेरिका की डिक्लाइन दिखाई दे रही है। आज की डेट में 2019 में अमेरिका की हैसियत में बहुत भारी गिरावट आई है, अर्थव्यवस्था में बहुत भारी गिरावट आई है। वो अलग बात है कि एक विकसित देश को बनने में भी समय लगता है, और धीरे धीरे उसकी इंटरनेशनल पोजीशन को भी गिरने में समय लगता है, तो ये आसान काम नहीं है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि 20 साल, 30 साल, 40 साल में चीन उसे पीछे कर देगा, या भारत 50 साल में उसे पीछे कर देगा, इतना भी अभी आसान काम नहीं है। हाँ, लेकिन अमेरिका की इनविंसिबिलिटी, अमेरिका की ग्रोथ, अमेरिका की सुपीरियरिटी दुनिया के दूसरे देशों की अपेक्षा कम हुई है, ठीक है। ग्रोथ के मामले में चीन और भारत तेजी से आगे दिखाई दे रहे हैं। भारत की कन्फ्लिक्ट ये है कि भारत में डेमोक्रेसी है, और ये कोई समस्या नहीं है। डेमोक्रेसी में चीज़ों को बनते बनते, लागू होते होते थोड़ा समय लगता है, क्योंकि भारत एक न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी है। राष्ट्रों के इतिहास में 70 साल कोई बहुत ज़्यादा लंबी दूरी नहीं मानी जाती, कोई लंबा वर्ष नहीं माना जाता, तो 70-72 साल के अंदर में भारत ने जो अच्छा प्रोग्रेस किया है, धीरे धीरे हम स्टेबलाइजेशन को भी प्राप्त कर लेंगे, तो थोड़े हालात बेहतर बनेंगे, भारत अच्छी चुनौती देने में संभव होगा। एक सूचना आ रही है कि अगले कुछ वर्षों में 2030 तक भारत में 65% आबादी युवा होगी, जिसकी उम्र 35 साल से कम होगी। अब ये बहुत ही कमाल की सूचना है, अगर 2030 तक ही हमारी 65% आबादी 35 साल के नीचे होगी, तो इसका मतलब हमारे पास वर्कफोर्स सबसे तगड़ा होगा। अब सवाल यह है कि सरकारें, हमारा देश, हमारा समाज इस यूथ की एनर्जी को कैसे यूज़ कर पाता है, क्योंकि देखो यूथ के साथ एक समस्या होती है, हाईली सेंसिटिव है यूथ, अगर आपने इस एनर्जी को ना यूज़ किया तो ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो ये दोहरा चैलेंज है, दोधारी तलवार, अगर यूज़ कर लिया तो उसको हम राष्ट्र निर्माण में लगा सकते हैं, और न यूज़ किया तो विध्वंसों में प्रवृत्ति दिखेगी। जैसे अभी देखो जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें यूथ आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, क्यों,
उसके पास एक एनर्जी है, उसके पास उग्रता भी है। आजकल इंटरनेट क्रांति का जमाना है, तो यूथ इंटरनेट सैवी है, इसलिए तेजी से इंटरनेट या सूचनाओं का यूज़ कर लेता है और क्रांतियों में अगुआ की भूमिका निभाता है। क्यों, समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये बैटन ट्रांसफर की कहानी लग रही है, ठीक है, और ये ठीक भी लग रहा है कि अमेरिका ने ब्रिटेन से वो बैटन अपने हाथ में ले लिया। अब देखो ऐसा एक नोशन है कि ब्रिटेन और सोवियत यूनियन, ये कोल्ड वॉर की स्टार्ट कहाँ से होती है, ये इनके बीच की कहानी है, लेकिन ट्रांसफर होके कहाँ आ गई? अमेरिका। ठीक बात, ट्रांसफर होके यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ये हो गया, क्योंकि ब्रिटेन की गिरावट हुई और यूएसएसआर थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा स्ट्रगलिंग रहा। यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी आ गई जो सपने दिखाने में एक नंबर थी। कम्युनिस्टों की सबसे बड़ी समस्या है कि किसी यूटोपियन समाज में जीने के वो आदि हैं, किसी कल्पना लोक में डूबे रहते हैं। जैसे हर एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बेहतरी करना चाहता है, बेहतरी पाना चाहता है, लेकिन उसके लिए ग्राउंड रियलिटी में जीना जरूरी है, ग्राउंड वर्क जरूरी है, रियलिटी चेक्स जरूरी है। जैसे हर एक व्यक्ति एग्ज़ाम को टॉप करना चाहता है, क्या हर एक व्यक्ति कर सकता है? नहीं, जब तक वो रियलिटी के एहसास में नहीं रहेगा तब तक टॉप नहीं कर सकता है, तब तक एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं कर सकता है। तो रियलिटी चेक्स चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, हमारे विचार कैसे चल रहे हैं। तो चलो अब इसी में आगे बढ़ते हैं। देखो ये बात उतनी नहीं बिगड़ी थी, अब हम जरा चलते हैं कि उस समय कौन कौन से लोग थे जो हेड ऑफ स्टेट्स थे। जब ये वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हुए तो हमने कहानी पढ़ी है कि वर्ल्ड वॉर्स के समय सिनेरियो क्या होता है, कैसे माहौल गर्मा जाता है। ठीक है, इस समय यूके में कमांड है विंस्टन चर्चिल की, विंस्टन चर्चिल, और रशिया में जिसको सोवियत यूनियन कहते थे इसको इस समय है स्टालिन, स्टालिन, और यूएसए में इस समय है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये तीन लोग तीन सेंटर्स पे बने हुए हैं और इन्हीं के बीच की तो कन्फ्लिक्ट है ना। जब तक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जिंदा थे, जब तक वो उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उस समय तक लगभग ऐसा मानो कि 1946 तक अमेरिका का स्टैंड क्या था? जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का स्टैंड होगा वही तो अमेरिका का स्टैंड होगा ना। इनका स्टैंड था कि रोल ऑफ मीडिएटर टू पैसिफाई कोल्ड वॉर, क्या है रोल ऑफ मीडिएटर टू पैसिफाई कोल्ड वॉर। अच्छा, ये कोल्ड वॉर मतलब क्या हो गया? एक दूसरे की कंधे पे रख के बंदूक चलाना, इनडायरेक्ट लड़ाई को कहते हैं कोल्ड वॉर। हम आपस में भी ये टर्म यूज करते हैं, जब हमारे से किसी की नहीं बनती है तो हम एक दूसरे के सहयोगियों, सगे संबंधियों का सहारा लेके और कुछ टॉन्टिंग करते हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, कुछ बैक बिचिंग करते हैं, इसी को कहते हैं कोल्ड वॉर। लेकिन सामने से दोनों एक दूसरे को अवॉइड करेंगे, यही है कोल्ड वॉर। क्यों? शीत युद्ध। तो जब तक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, उनका क्या मानना है कि ब्रिटेन और रूस में, सोवियत यूनियन में चलने वाले जो कोल्ड वॉर की सिनेरियो है, मनमुटाव है, इसको क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। समझ रहे हो? अब लीडर्स की अपनी एक विचारधारा होती है। स्टालिन को ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म होना चाहिए, कम्युनिज्म इन वर्ल्ड, और ये क्योंकि कैपिटलिस्ट हैं तो कैपिटलिस्ट के लिए ये थ्रेट है। क्या पूंजीपतियों के लिए ये थ्रेट है? लड़ाई यही चल रही है ना। और अमेरिका, अमेरिका क्योंकि होशियार है, रूजवेल्ट क्योंकि आर्थिक मंदी से निपटे हुए हैं, उन्होंने न्यू डील पॉलिसी बनाई थी, उन्हीं के समय
अमेरिका आर्थिक मंदी से भी निपटा और एक महत्वपूर्ण आर्थिक राष्ट्र के रूप में उभर के सामने आ जाता है। तो उनका जो मस्तिष्क है वो बेहतर चल रहा है, वो अमेरिका को बीच के मामले में फंसाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका फिर फंसा बीच में तो अमेरिका में फिर से दोबारा से कुछ दिक्कतें होने की संभावना है। दैट इज़ बाई रूजवेल्ट ट्राइंग टू मीडिएट बिटवीन यूके एंड रशिया। और रशिया का ऑब्जेक्टिव क्या है कि पूरी दुनिया में साम्यवाद फैले, और ब्रिटेन का क्या है कि पूरी दुनिया में पूंजीवाद फैले। पूंजीवाद क्योंकि पूंजीपतियों का शासन होता है और पूंजीपति परमानेंट चाहते हैं कि लाभ किसी भी प्रकार से अर्जित किया जाए, बाय द हुक और बाय द क्रुक, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। और पूंजीपतियों को चलाता कौन है? उद्योगपति। और उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों में काम कौन करता है? मजदूर। और मजदूरों को क्रांति करने के लिए कौन पुकार रहा है? स्टालिन। स्टालिन क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित है और अपने जो अर्स्टवाइल रिजीम थी लेनिन की उससे प्रभावित है। और इसको खास अगर लेनिन की हम बात करें या स्टालिन की बात करें तो मजदूरों से ज्यादा इनको फिक्र है अपनी विचारधारा को स्थापित करने की। अगर ऐसा ना होता तो रूस आज सबसे धनी देश ना होता, रूस सबसे विकसित ना होता, रूस आज तक स्ट्रगलिंग क्यों है, दुनिया में कम्युनिस्ट क्यों खत्म हो गए? क्योंकि व्यवहारिकता पे ना सोच के काल्पनिकता की दुनिया में ज्यादा रहने के वो हैबिचुअल थे, नहीं इसलिए तो कम्युनिस्ट खत्म हो गए। भारत में भी देख लो, जैसे वेस्ट बंगाल में उन्हें बहुत लंबा मौका दिया गया, ज्योति बसु लंबे समय तक सीएम बने रहे, लगभग 24 साल के आसपास सीएम बने रहे, ये भी भारत में एक रिकॉर्ड है, ठीक है। और इसके बाद कम्युनिस्ट लंबे समय तक केरल में बने रहे, आज भी केरल में उनकी स्थिति दिख रही है, लेकिन इन दोनों राज्यों में कौन सा विकास कर लिया है कम्युनिस्टों ने? तो कम्युनिस्टों का अप्रोच जर्नलिस्टिक होता है, वो आजादी की डिमांड करेंगे, वो अन्याय को न सहने की बातें करेंगे, वो लोगों को यूनाइट करने की बातें करेंगे, सबको उसका हक देने की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार देने की बात करेंगे, और जब बारी आएगी तो तानाशाह बन जाएंगे। यही कम्युनिस्टों का इतिहास रहा, इसलिए नॉर्थ कोरिया में तानाशाही रही, इसलिए क्यूबा में तानाशाही रही, इसलिए और भी देशों में जहाँ जहाँ वेनेजुएला में तानाशाही की स्थिति दिखाई दे रही, जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट हैं, चीन में देख लो, रूस में देख लो। क्या रूस में व्लादिमीर पुतिन ने नियमों में परिवर्तन नहीं किया? When he was president, there was a provision in Russia, no one will become thrice president of Russia. Then he manipulated that rule. उसमें लिखा था कि लगातार दो बार president नहीं बन सकते हैं, तो उसने manipulate किया। अगली बार वो Dmitry Medvedev को बना देता है president दो बार के बाद, Vladimir Putin, और फिर अपने खुद प्रधानमंत्री बन जाता है और अपने ही एक कॉलिग को बना देता है, Dmitry Medvedev को बना देता है वहाँ का प्रेसिडेंट, जो उसी की सुनेगा। फिर Dmitry Medvedev का जब कार्यकाल खत्म होता है तो संविधान को परिवर्तित कर दिया जाता है रूस में, और एक प्रोविज़न किया जाता है कि अब से कोई भी कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। 30 लाख से ऊपर लोग इस नियम का विरोध करते हैं रूस की सड़कों पर, इसके बावजूद भी नियम को लागू कर दिया जाता है। समझ रहे हो, रूस इतने अधिक संसाधनों के होने के बावजूद भी विकसित देश क्यों नहीं है? कम्युनिस्टों का सबसे बड़ा फेलियर यही है कि जब जब उनको बहुत अपेक्षाओं से देश की कमांड दी गई तो कम्युनिस्ट उस अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरे, और जब जनमत ने उनसे डिमांड की कि जो वादे किए गए हैं उसे पूरा करो तो उन्होंने तानाशाही स्थापित कर ली। वो लेनिन के समय भी हुआ, वो स्टालिन के समय भी हुआ, वो रूस में भी दिखाई दे रहा है जब व्लादिमीर पुतिन नियमों के साथ छेड़छाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वही हाल चीन में भी दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो? तो ये परिस्थिति दिखाई दे रही है। तो यही सब मसले अभी गर्माहट में है। इसी बीच में एक घटना घट जाती है, और वो ये है कि ब्रिटेन ग्रीस के ऊपर हमला कर देगा। इसी बीच में
कई सारी घटनाएं घटती हैं। ग्रीस किसके पक्ष में है? यूएसएसआर के पक्ष में है। पूछते हैं कि कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग कैसे दिखाई देती है, कहीं किसी ने हमला किया था क्या कोल्ड वॉर के लिए किसी ने हमला किया था क्या कहीं? तो ब्रिटेन और ग्रीस की एक लड़ाई होगी और कौन जीतेगा? ब्रिटेन जीतेगा। इसको क्लिप को ठीक कर लो। तो देखो अब एक हम पॉइंट लिखते हैं अगला। ब्रिटेन इन्वेडेड ग्रीस। अब रूस को तो बचाना पड़ेगा ना। एन एलाई ऑफ यूएसएसआर, देयरफोर यूएसएसआर सेंट मिलिट्री एंड प्रोहिबिटेड यूएसएसआर टू एंटर इन ग्रीस। प्रोहिबिट ब्रिटेन टू एंटर इन ग्रीस। तो ऐसी कुछ संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। क्या दिखाई दे रहा है कि ब्रिटेन ने ग्रीस के ऊपर हमला कर दिया, जो कि यूएसएसआर का एक सहयोगी है, और इसलिए यूएसएसआर इस युद्ध में सम्मिलित होगा और वहां से ब्रिटेन को हटाने में कामयाब रहेगा, क्योंकि वो अपनी मिलिट्री लेके जाएगा। जैसे तैसे वो ये गढ़ बचाने में सक्षम हो पाता है। देख अब ये लड़ाई किसकी चल रही है। देखो जो ईस्ट यूरोप है उस पे रूस अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा है, क्योंकि वो नज़दीक है, उसके रूस के नज़दीक है, उस पर इन्फ्लुएंस कर सकता है वो। और जो वेस्ट यूरोप है वो किसके इन्फ्लुएंस में है? वो फ्रांस जर्मनी, तो वो सब ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस में है। ब्रिटेन और यूएसए ये सब इनके इन्फ्लुएंस में है। तो यूरोप में दो समूह बन गए हैं। कौन से समूह बन गए हैं? एक ईस्ट यूरोप और एक वेस्ट यूरोप। ये मसला क्या है? फिर से मैं वही कहूंगा कि रिसोर्सेस का मसला है। दोनों जो ग्रुप्स हैं, दोनों जो ब्लॉक्स हैं, किसके ऊपर कब्जा करना चाहती हैं? रिसोर्सेस के ऊपर। वेस्ट यूरोप वाले ईस्ट के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और रूस चाहता है कि ईस्ट यूरोप को अपने पास बनाए रखे। रूस का कॉन्सर्न क्या है? रूस ये जानता है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है अगर ईस्ट यूरोप वेस्ट यूरोप के हिस्से में चला गया कंट्रोल में, और यूएसए और ब्रिटेन के कंट्रोल में चला गया, तो कभी भी रूस के ऊपर हमला हो सकता है। इसलिए रूस की मजबूरी है कि ईस्ट यूरोप के हिस्से को अपने कंट्रोल में ले। क्यों? कहानी समझ में आ रही है? तो अब मैं पूरा एकदम सिक्वेंशियल तरीके से वर्णन कर रहा हूं कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है? तो यहां ऐसा माहौल बना हुआ है। अगला चरण देखो, स्टार्टिंग हो गई है। अब क्या करेगा रूस? जवाबी कार्रवाई करेगा, रिटेलिएशन होगा ना। रिटेलिएशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर इसकी प्रतिक्रिया भी देगा। उसने ग्रीस को तो बचा लिया, तो प्रतिक्रिया नहीं थी, वो तो सुरक्षात्मक कार्रवाई थी ना। इट वॉज नॉट रिटेलिएशन, इट वॉज ओनली सिक्योरिटी कंडक्ट टू सिक्योर ग्रीस फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटेन, बिकॉज ग्रीस वॉज एलाई ऑफ यूएसएसआर। ग्रीस एलाई है यूएसएसआर का। अब ये रिटेलिएशन देगा पोलैंड के ऊपर और रोमानिया के ऊपर। ये क्या करेगा? कैप्चर्ड बाई
यूएसएसआर। रिटेलिएशन है ये, ईस्टर्न यूरोप की ये दो क्षेत्र हैं और इसके ऊपर कौन कब्जा कर ले रहा है? यूएसएसआर। किस रिटेलिएशन में? क्योंकि शीत युद्धों की शुरुआत ब्रिटेन ने की है जब उसने ग्रीस पे हमला कर दिया, जब ये बात तय हो रखी है और जब रूजवेल्ट बार बार समझा रहे हैं कि ब्रिटेन और रूस एक दूसरे के आड़े हाथ नहीं आएंगे, और रूजवेल्ट का ये मानना है कि ईस्टर्न यूरोप में जरूरी नहीं कि वेस्टर्नाइजेशन ही हो जाए, जरूरी नहीं कि कम्युनाइजेशन ही हो जाए, हम बीच का भी तो रास्ता निकाल सकते हैं। रूजवेल्ट बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बीच का रास्ता निकालो, पैसिफाई करो माहौल को। इट वॉज दी अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट टू पैसिफाई कोल्ड वॉर सिचुएशंस बिटवीन ब्रिटेन एंड रशिया एनी हाउ, एंड दैट इज वाई ही ऑलवेज ट्राइंग टू मीडिएट। वो यही चाह रहे थे कि मामला खत्म हो। उनका यह भी था नोशन कि ईस्टर्न यूरोप में भी यूएसए और वेस्टर्न यूरोप मिलजुल के कार्य करें और रूस भी मिलजुल के कार्य करें। लेकिन स्टालिन का क्या मानना है? कह रहा है नहीं, रूस अकेले काम करेगा, यूएसएसआर अकेले काम करेगा और वहां पे केवल कम्युनिज्म होगा। अब जब स्टालिन ऐसी बातें करेगा तो क्या वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका और खास करके ब्रिटेन संदेह से भर जाएंगे क्या? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर? कितने प्रतिशत? ठीक है, देखो कहानी तो है लेकिन मान लो एक भी कुछ नहीं याद है, कंटेंट ही नहीं याद है, सीक्वेंस ही नहीं याद है, सुने ही नहीं हो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम, तो कैसे उसको बांधोगे कहानी को? जब तक कहानी में कंटेंट नहीं जाएगा तब तक वो वर्थलेस बना रहेगा। नहीं तो उसके अंदर कंटेंट भी जाना चाहिए। अब देखना, जैसे अभी तक हमने किया, ये कहानी पूरी समझ में आ जाएगी तो पूरा कोल्ड वॉर का सिनेरियो ओपन हो जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट। नहीं ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। कहाँ पे? अमेरिका में 1970-80 के बीच में। किसके रिगार्डिंग? समिट हुई थी वर्ल्ड लेवल पे, उसको बड़ा मतलब उसका कोई रिगार्डिंग होगा, एनवायरनमेंट की समिट है या इंटरनेशनल ऑर्डर को बनाने की समिट है या रूस का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप को लेके कोई समिट है या अरब और इजराइल कन्फ्लिक्ट को लेके कोई समिट है। समिट तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन कुछ कॉन्टेक्स्ट होगा तो हम सोचेंगे उसके बारे में। इंटरनेशनल समिट है वो तो बड़ा, हाँ इंटरनेशनली होगा तो नहीं, खतरनाक है लेकिन अच्छा खटक रहा है नहीं, तो उसका कॉन्टेक्स्ट बताने पर हम ज्यादा उसको गेस कर सकते हैं। नहीं ठीक है, जैसे आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो उसको तुरंत नोट करके और उसके बारे में क्वेरी रख लेनी चाहिए ना, कि किससे कॉन्टेक्स्ट, जैसे कहीं कुछ पढ़ रहे हो लग रहा है कि इस पे मुझे थोड़ा सा जानकारी चाहिए तो उसको लिख के रख लो, पता नहीं याद रहे या न रहे, क्योंकि ये सारा मसला याद करने का ही है। मान लो बहुत मजा तो बहुत आ रहा है कि देखो कोल्ड वॉर चल रहा है, देखो रशियन रिवॉल्यूशन चल रही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही है, याद कुछ नहीं है। कोई पूछे एनक्लोजर मूवमेंट, आपको एनक्लोजर एनवलप याद आ रहा है, सोच रहे हो ये पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है क्या, तो पूरा वेग हो जाएगा आंसर, सारा खेल याद करने का, और ये भूलेगा भी बहुत तेज। फैक्ट्स है ना, और उस फैक्ट्स को उस कहानी से जोड़ना है, लेकिन अगर इतना ही याद हो गया तो बहुत इजीली आंसर को फ्रेम कर ले जाओ, क्योंकि आंसर जब लिखोगे तो कंटेंट नहीं रहेगा तो क्या लिखोगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो आपको कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग लिखनी है तो ऐसा अगर लिखोगे कि इट वॉज बेसिकली स्टार्टेड बिटवीन ब्रिटेन एंड यूएसएसआर एंड देन ट्रांसफर्ड टू अमेरिका बिकॉज अमेरिका टुक बैटन फ्रॉम ब्रिटेन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड व्हेन ब्रिटेन अथॉरिटी वॉज डिमाइज्ड। तो अब ये समझ, एग्जामिनर क्या समझा कि बहुत समझदार है ये व्यक्ति,
जो भी है, इसने पूरा माहौल बांध दिया। अब आप ऐसे लिख रहे हो कि शीत युद्ध का मतलब है कि ठंडा युद्ध, युद्ध का मतलब ऐसा है कि एक होता है डायरेक्ट युद्ध और एक होता है ठंडा युद्ध। तो ये ठंडा युद्ध है जिसमें सब लोग युद्ध का नाटक करेंगे लेकिन लड़ेगा कोई नहीं। ये रफ रफ बातें होगी, ये तो चाय की दुकान की बातें हैं। और इस पे सोच रहे हैं, बहुत अच्छी आंसर राइटिंग की है मन ही मन, और सायरन बज रहा है कान में भी, कौन मतलब लग रहा है कि आईएएस नजदीक है। नहीं, वो पागल खाने की गाड़ी आ रही थी। नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट जो भी हो, 8th 9th जो भी, कौन सा पॉइंट था 9th। अब अगला पॉइंट देखते हैं, माहौल गर्माता जा रहा है। इसी बीच में एक और समस्या हो जाती है, मृत्यु हो जाएगी किसकी, रूजवेल्ट की मृत्यु हो जाएगी। ही वॉज डाइड, अनफॉर्चुनेटली ही वॉज डाइड, उम्र हो रखी है, तो रूजवेल्ट साहब की मृत्यु हो गई। क्या लिखोगे, रूजवेल्ट डाइड। चार्ज किसके हाथ में चला गया, चार्ज टुक भाई, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बन गया, चार्ज टुक भाई ट्रूमैन, ट्रूमैन ठीक है, ट्रूमैन ने चार्ज ले लिया। अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बन गया, ट्रूमैन। ट्रूमैन यंग एज का है, कैसा है ये, यंग एज का है। अब देखो, कई देशों में 34 साल में लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और हमारे यहाँ 35 साल तक 40 साल तक उसी तैयारी में लगे रहते हैं। तो अब ये बड़ा आश्चर्य की बात है ना, दुनिया में ऐसा सुनाई देगा कि 30 साल में पीएम, और कुछ दिन में 30 साल में पीएम बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो यंग एज का है, प्लस इसका अपना पर्सनल रेज है, ही डिड नॉट लाइक कम्युनिज्म। यंग एज का व्यक्ति ये सब बातें एक्सेप्ट नहीं करेगा, ही डिडंट लाइक कम्युनिज्म। कम्युनिज्म इकोनॉमी में लिया है ना ट्रूमैन थ्योरी, हाँ, वो यूरोप के ट्रूमैन मार्शल प्लान, वो यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन का प्लान था। अभी उस वो भी आएगा, सबको पैसा मिलेगा, लेकिन ट्रूमैन रूस को पैसा नहीं देगा, लोन नहीं देगा। क्यों, क्योंकि रूस में साम्यवाद है और वो साम्यवाद को पसंद नहीं करता है। तो ट्रूमैन की अपनी, देखो लीडरशिप बहुत जरूरी होती है, लीडरशिप में अपने कुछ दृष्टिकोण होते हैं, किसी भी देश के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए लीडरशिप क्वालिटी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा जीतोगे, लीडरशिप क्वालिटी का ये मतलब नहीं होता है कि आप डिप्रेस नहीं होगे, लीडरशिप क्वालिटी का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपको हर एक व्यक्ति पसंद करेगा। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब कतई ये नहीं होता है कि आप क्विटिंग अप्रोच वाले नहीं होगे, लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप जब जब हारोगे तब तब दोबारा से अपने को ऑर्गेनाइज कर लोगे और फिर से उठ खड़े होगे, जैसे फिनिक्स पक्षी होता है। दुनिया के जो बेस्ट लीडर्स हैं, ऐसा नहीं कि वो कभी हारे नहीं, कभी उनको किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, वो कोई भी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे आज के नरेंद्र मोदी हो, चाहे कभी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट रहे हो, चाहे जॉर्ज वॉशिंगटन रहे हो, क्यों, चाहे बराक ओबामा रहे हो, दुनिया के जितने टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, उनकी खासियत यही है कि जब जब वो गिरते हैं तो फिर अपने को सहेज लेते हैं और फिर अपने को और भी बड़ा बना के उभारते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देख लो, सालों तो संघर्ष करते हैं, वो एक काम किया असफल हो गया, दूसरा काम किया असफल हो गया, तीसरा किया असफल हो गया, फिर बीच में थोड़ी सी सफलता लगी, फिर चार असफलताएं लगी, दूसरा कोई टूट जाएगा। KFC ब्रांड 65 साल की उम्र में एक व्यक्ति बनाता है, जब वो सुसाइड करने के लिए बैठा हुआ है, वो बैठ के ये सोचता है कि मैं जिंदगी भर क्या कर पाया। ये बहुत आश्चर्य की बात है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहीं कोई रास्ता नहीं समझ में आता है, वो पूरी जिंदगी को अपनी वेस्टेज समझता है, और वही सुसाइड करते समय उसे भूख लग जाती है, और वो ये सोचता है कि मैं अगर चिकन खा लेता एक बार, फ्राइड चिकन, तो मुझे अच्छा एहसास होता, मरते समय तो कम से कम अच्छा एहसास हो जाए। लेकिन ये सोचते सोचते काफ़ी लेट हो गया, उसने सोचा कि आसपास एक चिकन की बाइट ले लूँ और फिर
दुनिया को अलविदा कहूँ। आसपास कहीं मिला ही नहीं चिकन जो फ्राइड था, फिर वो पूरे शहर में खोजता रहा, उसको बहुत दूर जाके कई किलोमीटर फ्राइड चिकन मिला। उसके दिमाग में विचार आया कि क्या चैन से मर भी नहीं सकते, तो उसने तय किया कि अब से मैं छोटी सी व्हीकल के ऊपर, कोई मोपेड या बाइक ले लूँगा, उसके ऊपर मैं लोगों को फ्राइड चिकन दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अमेरिका के अंदर में, क्योंकि वहाँ कल्टीवेशन तो ऐसी है नहीं अनाज की। और फिर उसको ऑर्डर्स मिलने लगे, लोगों की पसंदीदा थी फ्राइड चिकन, भारत में भी दिखता है जगह जगह फ्राइड चिकन के स्टॉल्स लगे होते हैं, तो फ्राइड चिकन उसने होम डिलीवरी स्टार्ट की। धीरे धीरे KFC MNC बन गई, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। जब वो व्यक्ति मरा तो दुनिया के धनी व्यक्तियों में से एक था। उम्र कब से स्टार्ट हुई? 65 साल में, जिस समय हम बुझा हुआ अपने को मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा है कि वो अपने 18 साल 20 साल 22 साल में अपने को बुझा हुआ चिराग मान लेते हैं और कुछ खास एफर्ट्स नहीं करते, और इसीलिए वो टेंडेंसी आ जाती है कॉमेट सुसाइड की। कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज जो सबसे बड़ी पदवी पे है वो भी कभी गिरेगा, आज जो सबसे पैसे वाला है कभी गरीब होगा, और फिर नए पैसे वाले आएंगे, नए लीडर्स आएंगे, नए व्यक्ति आएंगे उसको रिप्लेस करने के लिए, तो फिर हम किस बात का गम मनाएं। ट्रूमैन एक यंग और यूथ व्यक्ति है जिसके अंदर में बहुत एनर्जी है, और ये पर्सनल इसकी रेज है किसके साथ? कम्युनिज्म के साथ। ये बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अब ये ट्रूमैन क्या करेगा? ट्रूमैन की कुछ और भी समस्याएं हैं। बेसिकली एक तरीके से ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है ना रूस की, जैसे रोमानिया पे कब्जा या पोलैंड पे कब्जा, उसका ये अपोज करेगा। काउंटर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ रशिया, ये क्या करेगा? डेवलप्ड काउंटर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ रशिया। और इसी चक्कर में ये क्या करेगा, जो ट्रूमैन मार्शल प्लान बना था ना वो यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन का, तो ये रशिया को लोन ही नहीं देगा। ही डिडंट फेवर लोन टू USSR अंडर ट्रूमैन मार्शल प्लान। किसके लिए बना था? फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप। युद्ध की विभीषिका से निपटने के लिए एक प्लान बनाया गया था, यूरोप की पुनर्संरचना का प्लान था, ट्रूमैन मार्शल प्लान, और इसके अंतर्गत रूस को लोन देने से इनकार कर दिया गया। रूस नया नाम है डिसइंटीग्रेशन के बाद, लेकिन हम प्रचलित नाम को ही प्रयोग में ले रहे हैं। इसका नाम सोवियत यूनियन कह सकते हो या USSR कह सकते हो 1989 तक। उसके बाद जब विखंडन हो गया तो रूस सबसे बड़ा प्रांत था, 15 भागों में विभाजित हो गया, तो इसलिए हम बार बार रूस रूस कह रहे हैं। और सोचो विभाजन के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है, तो जब सब मिले होंगे तब क्या होगा? आधी दुनिया रूस उनके पास होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि इतना बड़ा क्षेत्र रूस के हथे कैसे आ गया, जबकि साम्राज्य हमारे यहाँ बड़े बड़े रहे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं? खैर, बड़ा क्षेत्र होता और आबादी बड़ी होती तो टेंशन नहीं होती। हमारा क्षेत्र छोटा और आबादी बड़ी। बताओ रूस की आबादी अगर देखें तो लगभग 14-15 करोड़ की आबादी, और दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश, भारत से 7 गुना बड़ा। रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, वहाँ के लोग बहुत काम नहीं करते हैं, वहाँ के लोग डिफेंस रिसर्च में आगे हैं, और वो भी इस चक्कर में आगे होगा ना, देखा देखी में, अमेरिका को नीचे दिखाने के चक्कर में होड़ लगी हुई थी, नहीं तो उसमें भी आगे नहीं होते। जोश था जेलेसी, जोश था डिफीट का, नहीं तो उनको आगे बढ़ने की कोई प्रेरणा नहीं थी। पूरा दिन वोदका पी के सोए रहते हैं। अभी अभी व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारे युवाओं को हुआ क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा देश वोदका में ही डूब जाए। ठीक है, वहां की नेशनल कॉन्सर्न है और वहां का राष्ट्रीय पेय पदार्थ भी है, घोषित तो नहीं किया गया है, लेकिन जैसा हमारे यहाँ चाय कॉफी बिस्किट देते हैं वैसे वहां पे रूस में वोदका देते हैं, जैसा अमेरिका में बियर। ठंडे क्षेत्रों में तो है रीजन ऑब्वियसली, लेकिन एक्सेसिव होगा तो दिक्कत है ना।
अब ये कोई बहाना नहीं बना सकता कि बहुत ठंडा लग रहा है तो 3 बोतल पी लें, ये कोई लॉजिक नहीं हुई। खैर नेक्स्ट, देखो पीने वाले अलग अलग बहाने बनाते हैं, जैसे बहुत गर्मी लग रही है तो कहेंगे कि थोड़ा ठंडी चीज़ ले लें, तासीर ठंडी करें, बहुत गर्मी लग रही है तो उनको ठंडी चाहिए, बहुत ठंडी है तो गर्मी चाहिए, और अगर बरसात का मौसम हो रखा है तो ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए दवा चाहिए। क्या तो पीने वाले का, तो जैसे खुशवंत सिंह नहीं कहते हैं कि मैं केवल 2 ही समय पीता हूँ, एक जब बरसात होती है और दूसरा जब नहीं होती है, यही तो 2 अवस्थाएं होंगी ना। खैर बंद कर दो इसे, ये भी मौके की नजाकत जानता है। चलो तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप की बातें की गई और लोन प्रोवाइड नहीं किया गया। नेक्स्ट परिदृश्य देखें कि इसी बीच में एक पॉलिसी बना लेता है, देखो इसी पॉलिसी को कहते हैं ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन। ये जो पॉलिसी है ना कि रूस की नीतियों को क्या किया जाएगा, उल्टा जाएगा, एक्सपेंशन नहीं करने दिया जाएगा, उसको काउंटर कर किया जाएगा, इसको कहते हैं ट्रूमैन्स पॉलिसी या ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन का सिद्धांत। ठीक है, एक और पॉलिसी अस्तित्व में आ गई जिसे कहा गया कि जॉर्ज केनमैन डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेनमेंट। ये किसको फॉलो कर रहा है, ट्रूमैन फॉलोड जॉर्ज केनमैन्स डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेनमेंट। ये सब 1946 की घटनाएं दिखाई दे रही है। ठीक है, एक जॉर्ज केनमैन है, इसने एक पॉलिसी बनाई थी कि रूस को कंटेनमेंट माने होता है रोकना, कि रूस को रोकना है, और इसी पॉलिसी को ट्रूमैन भी फॉलो कर रहा है। जॉर्ज केनमैन की पॉलिसी को कौन फॉलो कर रहा है, ट्रूमैन फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल बना हुआ है, इसी बीच में अब देखो स्टालिन तो ट्रस्ट करने लायक है नहीं, संदेह का वातावरण है, तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच में देखो डिक्लेयर तो ट्रूमैन भी कर चुका है, और इसी बीच में एक यूएसए के अंदर में आयरन कर्टेन स्पीच ऑफ विंस्टन चर्चिल हो रहा है। ये वही विंस्टन चर्चिल है जो गांधी के मरने की कामना कर रहा था, ये कह रहा था कि या तो ये मर जाए नहीं तो मैं मर जाऊंगा, 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में जब वो आमरण अनशन करते हैं गांधी, देन विंस्टन चर्चिल ऐसे प्रस्ताव रखता है, लेकिन गांधी तुरंत ही अनशन को तोड़ देते हैं और इसकी योजना को खंडित कर देते हैं। सुनने में आया कि हेलीकॉप्टर भी तैयार कर रखा था इसने कि गांधी के मरते ही शव को वहां से हटा लिया जाएगा जिससे आंदोलन आगे न बढ़ने पाए, लेकिन गांधी को जैसे भनक लगी कि ब्रिटिश सरकार गांधी के प्रस्ताव को नहीं मानने वाली है तो गांधी ने तुरंत ही आमरण अनशन समाप्त कर दिया, और इस प्रकार से विंस्टन चर्चिल की सारी आशाएं खंडित हो गई। यही गांधी की स्पेशियलिटी थी कि गांधी अनप्रेडिक्टेड बिहेवियर शो करते थे, उनको समझने में अंग्रेज भी असफल हो जाते थे। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी पिछलग्गु थे अंग्रेजों के, इसलिए उनको अवार्ड मिलते थे, गांधी पूंजीपतियों के समर्थक थे क्योंकि खुद धनी परिवार के थे, जमींदार फैमिली के, गांधी अंग्रेजों के एजेंट थे भारत के अंदर में क्योंकि वो उनके साथ मिल बैठ के बातें करते थे, और इसीलिए गांधी को बार बार बातचीत के लिए बुलाया जाता था या आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि गांधी की यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। गांधी अंग्रेजों से लगातार बातचीत इसलिए करते क्योंकि बिना दुश्मन को जाने समझे अगर उसके ऊपर हमले करोगे तो हारने के चांस खराब होंगे। तो गांधी ने पहले
उनकी मेंटालिटी को समझा, उनसे बातचीत की, उनके करीब गए, उनके पास बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था, और इसलिए गांधी एक फिलोसफिकल व्यक्ति थे और उनका एक रूट अलग था सोचने का। इसलिए गांधी को कभी कभी हम आलोचना के शिकार होते हुए देखते हैं, लेकिन ये आलोचना जायज नहीं है। ठीक है, आयरन कर्टन स्पीच है क्या? यह विंस्टन चर्चिल ने ऑफिशियल डिक्लेरेशन किया था यूएसए में, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ कोल्ड वॉर। इसने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि अब कोई तरीका नहीं है बातचीत का, अब तो केवल एक ही तरीका बच गया है और वो है कोल्ड वॉर। अब है ही, हमारे बीच मनमुटाव आ ही चुका है, अब इसको कोई भी सुधार नहीं सकता। रूस भी ये मान गया था, क्योंकि 1945 में जो परमाणु परीक्षण किए थे नागासाकी हिरोशिमा पे, वो भी तो रीजन है ना। ये भी देखो, रूस क्यों संदेह में है, रशिया की डाउट क्या है, कि पहले से वो ये तो जान ही रहा था कि ब्रिटेन तो उसके अगेंस्ट में ही है, और थोड़ा यूएस को लेके कंफ्यूज था। लेकिन इसी बीच में 1945 का ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब इसने प्रयोग कर लिया था ना, बॉम्ब इन जापान बाई यूएसए, इसने संदेह को और भी बढ़ा दिया, इसने संदेह को और भी बढ़ा दिया। अब यूएसए के ऊपर रूस ट्रस्ट नहीं कर सकता था, समझ रहे हो, धोखा था ये। कभी रूजवेल्ट दुनिया में रूस, ब्रिटेन और अमेरिका की अलायंस देखा करते थे, वही ट्रूमैन के समय तक आते आते विश्वास के संकट में बदल गया। इट वॉज ए क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट, ये बहुत बड़ा संकट था विश्वास का। ठीक है, तो ऑलरेडी रूस का संदेह जायज ही है, क्योंकि अमेरिका भी ट्रस्ट करने लायक नहीं है, अब तो किसी की सुनेगा नहीं। तो रूस के अपने कॉन्सर्न हैं, रूस ये जान गया है कि अब बातचीत का कोई फायदा नहीं है। ऊपर से लेनिन बात भी नहीं करना चाहता था, ट्रूमैन अगर बातचीत भी करता तो लेनिन बातचीत करने के मूड में नहीं था। लेनिन माने स्टालिन बातचीत करने के मूड में नहीं था, और दोनों की प्रवृत्तियां भी तो एक ही जैसी हैं। स्टालिन थोड़ा और ब्रूटल है लेनिन से, बाकी तो वैसा ही चला रहा है सब कुछ। उसने रूस को आगे भी बढ़ा दिया कुछ दिन तक, डंडे की मार पे, वॉयलेंस का प्रयोग करके। आप कुछ दिनों तक तो डेवलपमेंट कर सकते हो, लेकिन लंबे समय तक वो डेवलपमेंट टिकेगा नहीं। जैसे जिस दिन चीन में क्रांति हुई, उसका सारा विकास का जो बना रखा है ना, वो प्रोपागेंडा ही है, जो विकास का आडंबर बना रखा है, जो विकास का नेट बना रखा है, वो पूरा शैटर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि चीन की हालत बहुत बेहतर है, चीन के 60% क्षेत्रों में आज भी विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। वहाँ भारत जैसी वही हाल है, जैसे भारत के गांव हैं, वही पिछड़ापन है। लेकिन चीन एक ऐसा शोरूम है जिसके कर्मचारी एकदम दमकते हुए दिखते हैं, ग्लासेस एकदम दमकती हुई दिखती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं एकदम दमकते हुए दिखते हैं, लेकिन वो बिजनेस का कोई आधार नहीं है, वो बड़ी कंपनी डूबने वाली है। ठीक है, समझ रहे हो, तो यही सब चल रहा है। अब ट्रस्ट की डेफिसिट चल रही है, अब तो खुलेआम क्या होगा, संदेह बढ़ रहा है, अब तो वॉर ही होगा। 1947 तक आते आते 1947 रूस ने रशिया वायलेटेड याल्टा कॉन्फ्रेंस मैंडेट। याल्टा कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बातों को भुलाते हैं, लेकिन रूस बिल्कुल मूड में नहीं था। 1947 तक आते आते रूस ने याल्टा कॉन्फ्रेंस, याल्टा जगह है, याल्टा कॉन्फ्रेंस की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। परिणाम क्या निकला कि अब तो विश्वयुद्ध होके ही रहेगा, करेला नीम चढ़ा, विश्वयुद्ध माने कोल्ड वॉर। अब करेला नीम चढ़ा ये हो गया कि मिलिट्री ग्रुपिंग्स बनने लगी, एक साइड में नाटो,
और दूसरे साइड में वारसा पैक्ट, यही था ना, वारसा पैक्ट। इसको नेतृत्व देगा यूएसएसआर और इसको देगा यूएसए। ये नेटो तो आज तक कंटिन्यू है नहीं, लेकिन अब वो बात इसके अंदर में नहीं है जो पहले थी। कभी इसने और भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, सीटो सेंटो है ना, वो इसी चक्कर में बनाए थे। ये मिलिट्री ग्रुपिंग्स है, मिलिट्री ग्रुप्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। इसी बीच में ये सब भी होने लगा था क्या, स्पेस वॉर। स्पेस वॉर, स्पेस वॉर हो गए नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही थी। ठीक है, कोल्ड वॉर की खासियत यह है कि एक दूसरे के कंधे पर रख के हेटरेट को फैलाया जाएगा। ठीक है, अब जरा कोल्ड वॉर के, कोल्ड वॉर के इवेंट्स देखो तो कई सारे मामले दिखाई देते हैं। जैसे 1949 में वॉल ऑफ बर्लिन, नहीं वॉल ऑफ बर्लिन, अब ये दो वॉल बन जाएगी, एक होगा ईस्ट जर्मनी और दूसरा होगा वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी के सपोर्ट में कौन से लोग हैं, यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, और ईस्ट जर्मनी के सपोर्ट में यूएसएसआर। बीच में दीवार बन जाएगी। मेन मसला क्या था कि दोनों इस क्षेत्र को खाली करना नहीं चाहते थे, दोनों को ये डर था कि इस क्षेत्र को, इसके संसाधनों का उपयोग करके दूसरा देश आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूस जर्मनी में कोयला बहुत है, आयरन बहुत है, ठीक है, इसकी वजह से। तो 1949 में ये मसला हो गया। 1950 तक आते आते कोरियन वॉर क्राइसिस, कोरियन वॉर क्राइसिस। देखो इसमें डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं, खासियत ये है ग्रुपिंग बना ले रहे हैं। मैंने पहले ही लिख दिया था कि देर वॉज नो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, बट इनडायरेक्ट डिस्प्यूट चल रहा था। ठीक है, एक साइड में साउथ कोरिया और एक साइड में नॉर्थ कोरिया, ये भी डिवाइड हो गया। और इस कोरियन क्राइसिस में नॉर्थ कोरिया की ओर कौन खड़ा है, यूएसएसआर और इसके सहयोगी सगे संबंधी, और इधर फिर वही यूएसए और ईस्टर्न यूरोप के लोग खड़े हैं, सपोर्ट चल रहा है। हाँ, इसी में हुई थी। तो कोरियन वॉर क्राइसिस 1956 में, 1956 में सुएज कैनाल क्राइसिस, सुएज कैनाल क्राइसिस। इसमें भी ये था कि सुएज नहर को, जो मेडिटेरेनियन सी से रेड सी को जोड़ता है सुएज कैनाल, उसको यूज़ करने को लेके, क्योंकि भाई वहाँ से ट्रेड हो रहा है, तो दोनों ब्लॉक्स उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे एक क्राइसिस बन जा रही है, सुएज कैनाल क्राइसिस, सुएज नहर का संकट कहते हैं। 1955 से लेके लगभग और 1975 तक वियतनाम क्राइसिस, वियतनाम क्राइसिस। वियतनाम में अमेरिका चली गई, क्योंकि वियतनाम में कौन है, ये किसके साथ खड़ा था, यूएसएसआर के साथ, तो अमेरिका क्या करेगा, यूएसए अटैक ऑन इट। वैसे वियतनाम में अमेरिका को खास सफलता नहीं मिली, जैसा अफगानिस्तान में अमेरिका का हाल हुआ। पहली बार दुनिया को ये पता लगा कि अमेरिका को रेसिस्ट भी किया जा सकता है। वियतनाम में बच्चे बच्चे ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, हाँ बिल्कुल। 1962 क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा अमेरिका के बगल में ही है और क्यूबा में कम्युनिस्टों की सरकार थी, तो अमेरिका ने मिसाइल तान लिया था क्यूबा के ऊपर मारने के लिए, लेकिन अंत में चला नहीं पाया, वो मामला एवर्ट हो गया। क्यों, अरब इजराइल क्राइसिस, अरब इजराइल क्राइसिस, क्या ऐसा ही दिख रहा है क्या, अरबों का सपोर्ट ये कर रहे हैं। ठीक है,
फिर ये देखो 1967 से स्टार्ट हो गया, आज तक चल ही रहा है. क्यों ये आज तक चल ही रहा है? अरब इसराइल क्राइसिस, भारत पाकिस्तान क्राइसिस. क्यों? पाक इंडिया, ये भी उसी समय से चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट और अमेरिका और उसकी ग्रुपिंग्स करती रही. पाकिस्तान सीटो और सेंटो का मेंबर बना रहा, ठीक है. फिर में अफगानिस्तान के अंदर में सोवियत इन्वेजन हुआ है ना, और काउंटर्ड बाई अमेरिका, यही हुआ ना. जहां जहां सोवियत संघ जाएगा वहां वहां अमेरिका पहुंचेगा. कभी सोवियत अमेरिका को चेस करेगा, कभी अमेरिका सोवियत संघ को चेस करेगा. नहीं, ये एक के बाद एक परिस्थितियां दिखाई दी जा रही हैं. टेंशन्स बहुत बढ़ता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में. इवन सही पूछो तो इसी की देन है इंटरनेशनल टेररिज्म. क्योंकि देखो क्या समस्या है, कैसे ये टेररिज्म का जन्म होता है. ये जो टेररिज्म है ना, अलकायदा जैसे संगठन दिखाई दे रहे हैं. देखो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इफ यू सी राइज ऑफ अलकायदा, देन व्हेन रशिया इंटरवीन्ड इन द अफगानिस्तान अराउंड 1979, इट वॉज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द यूएसए एंड इट्स अलाइंसेस इन वेस्टर्न यूरोप. एंड दैट इज वाई, बिकॉज यूएसएसआर डिड नॉट बिलीव इन रिलीजियस एक्सपेंशन, डिड नॉट बिलीव इन रिलीजियन, बिकॉज कम्युनिज्म डिड नॉट बिलीव इन रिलीजियन. कम्युनिज्म की विचारधारा क्या है कि धर्म एक अफीम है. तो जब रूस अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक देश में गया तो अमेरिका को अब ये समझ में नहीं आ रहा था, और वेस्टर्न यूरोप को, कि इसको काउंटर कैसे करें. तो अमेरिका के जो लोग थे, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट्स थे, अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसने तय किया कि अफगानिस्तान में जो कट्टर इस्लामिक लोग हैं, जिनको तालिबानी कहते थे, वो विभिन्न जनजातीय समूहों के लोग हैं, पश्तून, कुर्द, आफरीदी ग्रुपों के समूह के लोग हैं. तो उनको क्या किया कि उनको ये कहा कि रूस जब तक अफगानिस्तान में टिका रहेगा तो तुम्हारा इस्लाम भी खतरे में पड़ जाएगा. तो अमेरिका की सेंटर्स पे इस्लामी लड़ाकों को ट्रेनिंग दी गई, उसी में से एक था मौलाना उमर और ओसमा बिन लादेन, तालिबानियों का हेड था मौलाना उमर. इन सबको पेंटागन बुलाया गया और वहीं से टेररिज्म जैसी प्रवृत्ति दिखाई देती है. जब अमेरिका में ट्रेनिंग लेके ये वापस रूस में जाते हैं तो लोकल लेवल पे रूस की सेनाओं के विरोध में कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है. अफगानिस्तान के अंदर में बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है. इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू विन दैट काइंड ऑफ टेरेन. डिफिकल्ट है ना, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, गुफाएँ हैं. तो जब रूस के ऊपर स्थानीय लोगों को अमेरिका ने जो तैयार किया था, तालिबानियों को, जब वो हमले स्टार्ट करते हैं, इसी बीच में जो ओसामा बिन लादेन जैसे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड, धनी परिवार का, अरेबिया का है वो, सऊदी अरेबिया का, और वो अपना अलकायदा संगठन बना लेता है और तालिबानियों के साथ मिल जाता है. और फिर ये लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके से रूस के ऊपर हमला करते हैं. जब स्थानीय लोग विरोध करते हैं तो रूस को वहाँ से हटना पड़ता है. तालिबानियों को और अलकायदा को बढ़ावा किसने दिया था, किसने ट्रेनिंग दी थी? अमेरिका ने. इसी कोल्ड वॉर की देन है इंटरनेशनल टेररिज्म. जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्लचेस बढ़ाई, कैस्पियन सी के क्षेत्रों में इंटरफेरेंस करना शुरू किया, तो फिर वहां के तालिबानियों ने, अलकायदा ने रोक लगानी शुरू की. इनको आतंकवादियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान की मिलिट्री दे रही थी, वो आज भी दे रही है, ठीक है. और फिर जैसे ही तालिबानियों ने और अलकायदा ने अमेरिका का विरोध करना शुरू किया, कहा कि अब हमारे रिसोर्सेज को आप यूज़ नहीं कर सकते हो बिना हमारी परमिशन के, क्योंकि तालिबानियों ने तो वहाँ गवर्नमेंट बना ली थी ना 96 के दौरान में, मुल्ला उमर वॉज हेड, जब हमारी जहाज़ हाईजैक्ड हुई थी वाजपेयी जी के समय, एयर इंडिया की फ्लाइट थी 841 ऐसे, ठीक है. तो अब वहाँ पे इंटरनेशनल टेररिज्म ने मना कर दिया कि अमेरिका अब इंटरवेंशन नहीं करेगा. तो अमेरिका ने कहा कि अब सैन्य कार्रवाई करेंगे तुम्हारे ऊपर. अमेरिका ने मिसाइल मारने शुरू कर दिए, क्रूज मिसाइल.
इसकी रिटेलिएशन क्या हुई कि अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड टावर और पेंटागन के ऊपर हमला कर दिया, उसी को 9/11 की घटना कहते हैं। तो आज पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल टेररिज्म दिखाई दे रहा है, जो फैनेटिक्स एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही है, जो कट्टरतावाद दिखाई दे रहा है, उसमें यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका का योगदान ज़्यादा है क्या? डेफिनेटली, तो उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। और आज मरहम लगाने की सिफारिश भी अगर हम उन्हीं के ऊपर करेंगे तो बड़ा ही अजीबोगरीब सी बात होगी, कॉन्ट्रास्ट होगा, नहीं? समझ गए? ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो कोल्ड वॉर का, समझ गए? ठीक है, चलो अब इसके बाद हम देखते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर की, कैसे उसका विभाजन होता है, लेकिन अपने अगले लेक्चर में।